फ्रोजन 2 जिसे डायरेक्ट किया है क्रिश बक ने, जिसे राइट भी क्रिश बक ने किया है। ये जो फ्रोजन 1 और फ्रोजन 2 इन दोनों को ही इन्होंने डायरेक्ट और राइट किया है। जो फ्रोजन 1 जो थी वो आई थी 2013 के अंदर। जब फ्रोजन 2 आई तो इसको देखने जाने से पहले तो एक मेरा माइंड में ऐसा है कि क्यों ना यार फ्रोजन 1 देख लें। ऐसे इत्तेफाक से मैंने फ्रोजन 1 ओपन कर ली, वो देख ली मैंने। तो जब मैंने फ्रोजन 1 देखी तो उसके अंदर मुझे एना, एल्सा ये कौन है, कहाँ से आए, जो दो बहनें हैं इनके बीच का जो बॉन्डिंग है मुझे वहाँ पता चला। जो कहते हैं ना कि यार जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ये अच्छी चीज़ है कि जो मैंने ये फ्रोजन 1 देख ली फिर मैंने फ्रोजन 2 देखी। क्योंकि अगर मैं फ्रोजन 1 नहीं देखता तो मैं फ्रोजन 2 को इतना अच्छे से समझ नहीं पाता, कोई कई चीज़ें मुझे शायद स्किप करनी पड़ती। तो ये सलाह है मेरी कि आप अगर आप लोगों ने फ्रोजन 2 नहीं देखी है और आप देखने का मन बना रहे हैं तो पहले फ्रोजन 1 देख लें। क्योंकि अगर आपको मूवी बहुत अच्छे से समझनी है कि कैसी मूवी है, आपको पूरी अच्छे से इंजॉय करना है, तो मुझे लगता है कि फ्रोजन 1 आपको देखनी चाहिए। बाकी अगर आप फ्रोजन 2 देखने जाएंगे तो देखो हंसी कॉमेडी जो है इस मूवी के अंदर मुझे पसंद आई। मुझे काफ़ी जगह का कॉमेडी थी 1 के अंदर और 2 के अंदर, काफ़ी जगह कॉमेडी थी, बहुत अच्छी मुझे लगी वो। और दूसरी चीज़ ये म्यूजिकल, मतलब इसके गाने हैं इसके अंदर, जो इसके अंदर जो बातें होती है ज़्यादातर गानों में ही होती है। मुझे इतनी गानों वाली मूवी देखा यार, मुझे पर्सनली अपनी चीज़ बताऊँ तो मुझे इतनी पसंद नहीं आती गानों वाली मूवी। क्योंकि यार बस नहीं पसंद यार गाने मुझे, बस आप कह सकते हो कि दूसरे टाइप का बंदा जिसमें मतलब एक्शन मार धाड़ वो चीज़ें ज़्यादा पसंद है। ये रोमांस कहें या प्यार कहें इतना ज़्यादा मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती हैं, या ये सॉन्ग मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं, या पता नहीं मैं जो भी हूँ ऐसे ही हूँ यार। ओके तो स्टार्ट करें कहानी की। तो जो फ्रोजन 1 की जो कहानी है इसके अंदर हमें दिखाया गया है कि एरेंडल नाम का एक किंगडम है जिसमें जो जो राजा रानी उनकी दो बेटियां हैं, एक एल्सा है और एक एना है। जो एल्सा है उसके पास कुछ पावर है, वो किसी को भी मतलब किसी भी चीज़ में मतलब बर्फ़ बना सकती है, उसकी बर्फीली पावर आप कह सकते हो। और जो एना इसकी बहन है उसके पास कोई पावर नहीं है। दोनों की जो इसके अंदर दिखाया गया है कि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, दोनों छोटी बहनें एक दूसरे के साथ बहुत खेलती हैं, लेकिन जैसे 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 टाइम बीतता है एना बड़ी होती है, एल्सा बड़ी होती है, माफ करिए, जब एल्सा बड़ी होती है तो उसकी पावर भी बढ़ रही होती है। तो बाय मिस्टेक जैसे वो एना को हिट कर देती है अपनी पावर से, गलती से ऐसे कर देती है, तो उसको फील होता है कि जो उसकी पावर बढ़ रही है उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है। तो इसको कहा जाता है एल्सा को कि भाई अपनी पावर को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें एक रूम में अपने आप को बंद कर लेती है, कहा जाता है कि रूम में बंद रहो तब तक कि तुम अपनी पावर को कंट्रोल ना कर लो। लेकिन ये अपनी पावर को कंट्रोल करने में तब भी इतनी मतलब महारत हासिल नहीं करती है कि हाँ अपनी पावर को कंट्रोल कर ले वहाँ। तो इस बीच क्या होता है कि ये दोनों बहनें अलग रहने लग जाती हैं, अलग रहने की एक ही महल में रहती हैं, एल्सा अपने रूम में ही बंद रहती है। बार बार एना के बुलाए जाने पे भी वो बार बार गाने गाती है एल्सा के लिए कि बाहर आ जाओ कुछ हम बर्फ़ का पुतला बनाएं, ये ऐसे सॉन्ग वो गाती है अपनी बहन के लिए, लेकिन वो उससे नहीं मिलती। चाहती तो एल्सा भी है मिलना लेकिन वो उसे चोट नहीं पहुँचाना चाहती। इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग यहाँ पर जो बिल्ड करने की कोशिश की, यकीन मानो जो सेकेंड मूवी जो हुई थी जो मुझे बहुत समझने में मदद की कि हाँ ये स्टार्टिंग से ही कितनी ये जो दो बहनें हैं कितनी ही एक दूसरे की सपोर्टिव है। तो मैं फिर से कहूँगा कि आप फ्रोजन फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें अगर आप फ्रोजन सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। तो एक टाइम आता है एल्सा के लाइफ में जब एल्सा और एना के जब इनके माँ बाप गुजर जाते हैं, दोनों राजा रानी की डेथ हो जाती है, तब एक जो इनकी एज होती है कि इस एज पे एल्सा जो बड़ी जो लड़की है एल्सा ही थी इन दोनों बहनों में, कि उसको अब रानी बनाया जाए एरेंडल का, एरेंडल की जो एरेंडल किंगडम है उसकी रानी बनाया जाए। तब वहाँ क्या होता है कि एना इतनी खुश होती है कि एटलीस्ट इतने सालों बाद वो अपनी बहन से मिलेगी, जो ये रानी जो बनाया जा रहा है, जो समारोह होगा इतने सारे लोग आएंगे उनसे मिलने को मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँ कि देखो एना अपनी बहन से इतने टाइम से नहीं मिली, वो इस महल में अकेले ही, क्योंकि वो दरवाजे बंद कर देते हैं किसी को मिलने नहीं दिया जाता, तो दरवाजे बंद होते हैं महल के, काफ़ी टाइम बाद खुल रहे होते हैं जब उसको रानी बना रहे होते हैं एल्सा को।
तो क्या होता है कि एना किसी से मिलती जुलती इतनी नहीं है और उसका कोई इतना दो कोई इतने दोस्त भी नहीं है, तो वो एक कहें कि चुलबुली है अभी भी, उसका दिमाग थोड़ा सा अभी भी कच्चा है आप कह सकते हैं। वो किसी के बहकावे में आ जाती है और ऐसा ही हुआ, वो एक हैंस नाम के एक राजकुमार के बहकावे में आ जाती है जिसके 13 भाई होते हैं, जो एक मकार होता है जो सिर्फ और सिर्फ एरेंडल की राजगद्दी चाहता है एना से शादी करके। वो एल्सा तक तो पहुँच नहीं पाता, वो एना को ही अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता और एना फंस भी जाती है। जो जब वो समारोह होता है कि अब एल्सा को रानी बनाया जाए, तो वो डर फिर हमें देखने को मिलता है कि एल्सा डर रही है, और जैसे जैसे डर बढ़ता जाता है उसकी पावर उसके ऊपर हावी होती चली जाती है। तो ये सब चीज़ें देखकर वो मतलब वहाँ से भागती है एल्सा। तब एना उसको कहती है कि वो हैन से शादी करना चाहती है, एक दिन में मिले और एक ही दिन में प्यार कैसे हो गया। ये बात एल्सा बोलती भी है कि यार एक दिन में कैसे इतना सब हो सकता है, एक ही दिन में तुम मिल रहे हो और एक ही दिन में प्यार और एक ही दिन में तुम शादी तक पहुंच जाते हो। इस चीज़ को जैसे मना करते हैं तो एल्सा और एना के बीच में लड़ाई होती है, और एल्सा एकदम से पता नहीं कुछ जादू कर देती है कि सर्दियाँ आ जाती हैं एरेंडल में और एल्सा वो अपना किंगडम छोड़ के पहाड़ों में चली जाती है। देखो लड़ाई होने के बावजूद भी एना अपनी बहन का साथ देती है, वो लोगों को कहती है कि वो मेरी बहन चुड़ैल नहीं है, उसने सब गलती से किया है, उसकी कोई गलती नहीं, वो डर गई थी। ये जो बॉन्डिंग है ना सच्ची में दिल को छूने वाली थी कि चाहे आप फर्स्ट मूवी से सेकंड पार्ट तक आप देखोगे तो इन दोनों बहनों की जो आपको बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, जो एक दूसरे का वो साथ नहीं छोड़ते हैं, एक दूसरे की जो फिक्र करते हैं यार, वो बहुत सचिन। मुझे म्यूजिकल इतनी मूवी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये जो चीज़ थी इमोशनली, मुझे वो टच कर गई यार, मुझे काफ़ी पसंद हुई। ये जो अभी तक मेरे दिमाग में वो चीज़ें अभी भी छपी हुई हैं कि कैसे दोनों बहनें खेल रही थी, कैसे एक दूसरे के साथ बातें वो कर रही हैं कि भी हमने क्या करना है, ये सब चीज़ें अभी तक याद है। तो एना वापस लाती है अपनी बहन को, तो इसके बीच इनको ओलाफ एक बर्फ़ का, अब कहें कि पुतला, बर्फ़ का एक पुतला मिलता है जो इनसे जो एक कॉमेडी का काम करता है। और यही जो फ्रोजन 1 की जो कहानी है फ्रोजन 2 के अंदर कंटिन्यू रखी गई है कि अब इसके अंदर 5 तत्व दिखाए गए हैं, पहला वायु, जल, अग्नि, धरती, और जो 5वां तत्व होता है, देखो यार स्पॉइलर तो क्या है, 5वां तत्व खुद एल्सा ही होती है। अब क्या होता है कि ये जो 5वां तत्व, ये रीज़न होता है कि इसको पावर कहाँ से मिली, कैसे मिली, क्या रीज़न, ये सब चीज़ें सेकंड मूवी के अंदर आपको पता चलेगी। जो बर्फ़ की पावर है वो एल्सा के अंदर कहाँ से आई, ये सेकंड मूवी में आपको पता चलेगा। और मुझे, मैं कंपेयर करूँ फर्स्ट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, मैंने सेकंड पार्ट ज़्यादा इन्जॉय किया। हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने फर्स्ट पार्ट देखा तभी मुझे सेकंड पार्ट ज़्यादा समझ में आया, लेकिन मुझे हंसी ज़्यादा सेकंड पार्ट में आई। मुझे जो बॉन्डिंग जो दोनों बहनों की वो सेकंड पार्ट में मुझे हाँ ज़्यादा लगी एज़ कम्पेयर टू 1। हाँ उसमें भी है लेकिन थोड़ी बहुत तो लगी, अब लगी तो लगी, क्या करें अब। इसके अंदर पता चलता है कि एक जो एना और एल्सा के जो दादाजी थे, उन्होंने एक जंगल में रहने वाले कबीलों के साथ हाथ मिलाया था। तब उसके दादाजी के दिमाग में ये चीज़ आती है कि कल को ये जंगल वाले जिनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर है वो हमारे किंगडम को बर्बाद ना कर दें, इसलिए वो उसके दादा उस कबीले के सरदार को मारने की प्लानिंग करते हैं, और जिसमें वो नाकाम होते हैं या मार देते हैं, हाँ मार ही देते हैं। तो इस क्या होता है कि दोनों कबीलों के दोनों इस कबीले के बीच में और रेंडल के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है, और ये जो 4 तत्व होते हैं उस वक्त ये क्या करते हैं, इस जंगल को और जो एरेंडल जो किंगडम है इन दोनों को अलग कर देते हैं। और एक टाइम आता है कि जब एल्सा जब बड़ी होगी, जब रानी बनेगी, और उसको एक आवाज़ सुनाई देती है और उस आवाज़ की तरफ खींची चली जाती है। ये सब चीज़ें जब होती हैं वो इसके पीछे रीज़न यही होता है कि वो ये जो लड़ाई हुई उसके पीछे रीज़न लोगों को बताए और इस चीज़ को वो सुधारे, ये जो पास्ट में जो गलती उसके पूर्वज ने की थी वो अब वो प्रेजेंट में उस चीज़ को सुधारे, और वो सुधारती भी है। लास्ट में जो जो इस मूवी की जो एंडिंग होती है फ्रोजन 2 की, वो इसी बेस पे होती है कि एक बहन जो है वो जंगलों में रहती है और एक बहन को जो है वो किंगडम दिया जाता है कि वो वहाँ सुधार वो वहाँ अपना राज्य चला सके। अब दोनों मूवी में कॉमेडी की बात करें तो मुझे कॉमेडी ज़्यादा लगी 2 में। हाँ ओलाफ की जो कॉमेडी है फर्स्ट में भी अच्छी थी, हाँ सेकंड में मुझे कह सकते हैं कि इसको ज़्यादा टाइमिंग दी गई है सेकंड में। और बाकी भी मुझे काफ़ी विजुअल जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, आप जो 3D के अंदर मूवी है काफ़ी सुंदर लगा मुझे ये देख के, बहुत रिलीफ देने वाली चीज़ थी एकदम, इतना
इतने इतने प्यारे जो ग्राफिक्स जो यूज़ किए गए मुझे बहुत पसंद आए, जो विजुअल जो थे बहुत अच्छे थे, स्टोरी बहुत अच्छी थी, एक्टिंग तो क्या है, एक्टिंग कार्टून ही थे, काफ़ी अच्छी थी। हाँ हिंदी डबिंग भी काफ़ी अच्छी की गई थी, आप कह नहीं सकते कि हाँ ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा लग रहा है, सब चीज़ें अच्छी लग रही थी। मेरी तरफ से देखो फ्रोजन वन को मैं देना चाहूँगा, देखो म्यूजिकल मुझे इतनी पसंद नहीं है, म्यूजिक ना होता तो शायद मैं इसको ज़्यादा देता, 7 out of 10 star फ्रोजन वन को। और वहीं अगर मैं फ्रोजन टू की बात करूँ तो मैं देना चाहूँगा 8 out of 10 star, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी कॉमेडी ज़्यादा थी। इसलिए अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है, दोनों ही देख लिए हैं, तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो जाके देखो यार, अपने फैमिली अपने बच्चों को भी लेके जाओ, बहुत अच्छी मूवी है, प्यारी मूवी है, टाइम स्पेंड करो अपनी मूवी अपनी फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।